महाराष्ट्र के जो सहकारिता के क्षेत्र की चीनी मिले हैं उनके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को लेकर आज हमने केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल जी इनके नेतृत्व में भारत सरकार के सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह इनके साथ एक बैठक की। इसमें कई मुद्दे सामने आए, विशेष रूप से पिछले 15-20 सालों से चीनी मिलों का एक इनकम टैक्स का मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस मसले में लगातार इनकम टैक्स विभाग की ओर से मिलों को नोटिसेस आती है जिन्होंने एफआरपी से ज्यादा पेमेंट किया है और उसमें काफी कष्ट भी सहन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये मांग की थी कि वंस फॉर ऑल इस विषय को समाप्त किया जाए और अभी जो कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए। तो उस पर आदरणीय मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार का रुख लिया और उन्होंने कहा किसी भी प्रकार से इसमें चीनी मिलों को और किसानों को तकलीफ न हो और किसानों को चूंकि ज्यादा मुआवजा मिल रहा है तो उसको जो भी उसमें एक्ट में चेंजेस करने हैं जो भी करने हैं इसके ऊपर केंद्र सरकार सकारात्मकता के साथ आगे जाएगी, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। बाकी भी जो मसले थे चाहे वो इथेनॉल के संदर्भ में हो, चाहे जो बैड डेट्स हो उसके संदर्भ में हो, चाहे कैपिटल के बारे में हो, ऐसे कई विषय सामने आए और इन सारे विषयों के ऊपर माननीय अमित भाई शाह जी ने बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार का रुख लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो बैठक हमारी हुई है ये बैठक एक प्रकार से जो सहकारिता के क्षेत्र की चीनी मिले हैं उनके लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगी और उनकी जो अड़चने हैं उनको बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से दूर किया जाए। राज्य के जो हमारी सहकारिता चीनी मिले हैं पिछले 2-3 सालों में वो काफी तकलीफ में आई है क्योंकि कई अनसीजनल रेन्स हुए हैं, कहीं पर अकाल पड़ा है, कहीं पर क्रशिंग नहीं हो पाया है और कोविड का भी काल था। तो इसके कारण चीनी मिलों के बारे में जो उनका शॉर्ट मार्जिन हुआ है, कुछ एनपीए हुई है और अभी जब भी बम्पर क्रॉप होता है ऐसे समय अगर चीनी मिलें नहीं चलेगी तो बहुत तकलीफ भी उसके कारण तैयार हो सकती है। तो इसलिए सारी चीनी मिलें चलनी चाहिए, इस हिसाब से इनका रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, इनके लोन का रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, इस प्रकार की मांग थी और उसको बहुत सकारात्मकता के साथ माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इसके बारे में निश्चित रूप से भारत सरकार इसमें आगे जाएगा। और जैसे अभी दानवे जी ने बताया मूलतः महाराष्ट्र में एक प्रकार से थोड़ी भेदभाव की राजनीति भी हमको देखने को मिलती है कि जो रूलिंग पार्टी के लोगों की चीनी मिले हैं या उनसे संबंधित है उनको आउट ऑफ द वे जाकर मदद की जाती है और बाकी लोगों को नियम दिखाए जाते हैं। तो हमने कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और सबके लिए एक पैकेज तैयार होना चाहिए कि जिसके तहत ये रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से हम लोग चीनी मिलों को वापस एक लाइन पर ला सके। इसके साथ साथ इथेनॉल के मामले में विशेष रूप से अभी ये मांग हम लोगों ने रखी है कि इथेनॉल जो है वो चीनी मिलों के साथ जो इथेनॉल के प्लांट्स जिनको लगाने हैं तो अभी चीनी मिलों की बैलेंस शीट तो उतनी ठीक नहीं है और उसके कारण इथेनॉल के प्लांट्स लगाने की पूरी उनकी इच्छा होने के बावजूद और सारा रॉ मटेरियल होने के बावजूद भी कैपिटल न होने के कारण वो लगा नहीं सकते। तो उस पर मंत्री जी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन उसके ऊपर निकाला है और जो हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री है या हमारे जो ऑयल कंपनीज है उन ऑयल कंपनीज के साथ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करने के बाद उसको एक अलग दर्जा दिया जाएगा, उसकी बैलेंस शीट अलग होगी और उसी को गारंटी मानकर और उस मामले में जो है वो उनको फाइनेंस दिया जाएगा। तो इससे चीनी मिले भी अड़चन से बाहर आएगी और इथेनॉल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और ये जो कैपिटल का एक प्रॉब्लम जो तैयार हुआ है वो प्रॉब्लम भी दूर होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा अहम फैसला उन्होंने यहाँ पर निकाला। तो इनकम टैक्स रेट्स है तो उनको क्या अब उन पर इंक्वायरी नहीं होगी, एक जो यहाँ पे जो चीज पिच कर दी गई? देखिए वो तो एजेंसीज आपको बता सकती है इंक्वायरी क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, वो तो एजेंसीज का काम है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर जानबूझकर कार्रवाई ये इस सरकार में नहीं होती है क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने 2 प्रेस नोट निकाली है। एक प्रेस नोट उन्होंने पहली जो रेड्स हुई थी जिसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा के दलाली के सारे उनके पास पुख्ता सबूत है
उन सबूतों के आधार पर उन्होंने प्रेस नोट दिया। दूसरे इसमें 184 करोड़ की संपत्तियां किस प्रकार से पैसा घुमा के खरीदी गई है इसके बारे में उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि एजेंसियों को दोष देने की जगह ये जो घपले घोटाले हो रहे हैं इनको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए।